नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोक जी में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके रोजाना से नॉलेजेबल वीडियोस लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं फैक्स के बारे में। FAX यानी कि फैक्स का मतलब होता क्या है, फैक्स कैसे यूज किया जाता है, फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको इसी टॉपिक फैक्स के बारे में पूरा बताने वाला हूं। आपको वीडियो स्किप नहीं करना चाहिए, पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। जो भी आपके मन में डाउट है फैक्स रिलेटेड, आज भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, फैक्स जिसका फुल फॉर्म होता है फार अवे ज़ीरोक्स, जो कि दोस्तों काफ़ी पहले, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए यूज में आया था। बहुत ही पहले टेक्नोलॉजी ये आई थी, अभी ये यूज उतना नहीं किया जाता, फैक्स बंद हो चुका है। क्योंकि अभी मार्केट में बात करें दोस्तों तो व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत से सोशल मीडिया ऐसी वेबसाइट आ चुकी हैं जो कि वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र करने के काम में आती है। दोस्तों फैक्स जो होता था FAX दोस्तों की फाइल डॉक्यूमेंट, मैं आप बात करूँ आपके पास, जैसे कि आपके पास कोई मार्कशीट है या कोई अन्य डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एग्जांपल एक मार्कशीट लेके चलते हैं। तो मार्कशीट को जैसे आपको अपने पास से अपने फ्रेंड के पास पे सेंड करना है तो आप कैसे सेंड करेंगे? अगर वो मुंबई में है, आप दिल्ली में हैं, तो क्या आप वहाँ जाकर सेंड करेंगे, उसको देंगे? तो आप जा तो नहीं सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है, उसको पर्टिकुलर टाइम कुछ एक टाइम पे चाहिए, उसका इंटरव्यू होने वाला है, मार्कशीट उसको चाहिए, तो आप उसको कैसे भेजेंगे? तो पहले के टाइम में दोस्तों ऐसे फैक्स होता था। फैक्स में दोस्तों यहाँ पे फैक्स मशीन होती थी, उसी फैक्स मशीन का एक पर्टिकुलर नंबर असाइंड होता था, हर एक मशीन का वहाँ पे एक नंबर असाइंड किया जाता था। और वहाँ पे उस फैक्स मशीन का जहाँ पे आपका दोस्त रह रहा है, जैसे सपोज दैट मुंबई वाला है, दोस्तों मुंबई में आपको सेंड करना है दिल्ली से, तो उस फैक्स मशीन का नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर आप एक फैक्स मशीन के पास जाएंगे, फिर उस फैक्स मशीन के आप वो डॉक्यूमेंट देंगे मार्कशीट, और फैक्स मशीन वहाँ पे जो वहाँ पे वर्कर होगा वो स्कैन करके फैक्स उसको फैक्स कर देगा, और कुछ वहाँ पे मिनटों में वो आप मुंबई में पहुँच जाएगी। सेम वैसे उस फैक्स मशीन से वो बंदा अपनी मार्कशीट को वहाँ पे निकाल सकता है। तो यही दोस्तों फैक्स, यही से फैक्स वहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्क करती थी, यानी कि डॉक्यूमेंट को सेम टू सेम वैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए फैक्स का यूज़ किया जाता था। फैक्स का फुल फॉर्म दोस्तों फार अवे ज़ीरोक्स होता था, लेकिन अब ये यूज नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों अब तो बहुत से सारे वहाँ पे ईमेल हो चुके हैं, यानी कि आप व्हाट्सएप पे भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, फिर अगला आदमी उसको वहाँ से निकाल सकता है, या फिर आप फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम कहीं भी आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं फाइल को, एडोब वहाँ पे एडोबी प्रीमियर का यूज करके वहाँ पे आप भेज सकते हैं फाइल को। तो ये सबसे आसान तरीका पहले माना जाता था फैक्स करने का, जो कि डॉक्यूमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा जाता था। अगर उसको तुरंत किसी चीज़ की आवश्यकता है अपने वहाँ पे मार्कशीट वगैरह की, तो फैक्स का यूज़ किया जाता था। अभी ये नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि अभी दोस्तों ईमेल मार्केट में है, जो कि सबसे अच्छा यूज़ किए वहाँ पे माना जाता है, ईमेल वहाँ पे किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसको सेंड कर सकते हैं 25 MB के अंदर, अगर 25 MB से ज़्यादा सेंड करना है तो उसका दूसरा यूज है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाए हमारा वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि ईमेल को 25 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट कैसे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको फैक्स रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, कि फैक्स का मतलब क्या होता है, फैक्स कैसे किया जाता है। अभी मन में आपको कोई डाउट है फैक्स रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसको आंसर डेफिनेटली जरूर दूंगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए आ गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके रोज़ इतनी नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।